हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल वाइफ हैक यूज पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस करंट अफेयर्स के सीरीज में पार्ट 10 को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 9 तक का जो है करंट अफेयर्स डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये करंट अफेयर्स जो है 2021 में होने वाले सभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसीलिए आप ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ओफैक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है इजराइल ने जो है ईरान के परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु, तो क्योंकि अभी वर्तमान में जो है हाल फिलहाल में ईरान परमाणु जो है कार्यक्रम को ये डेवलप करने में लगा हुआ है, इसीलिए अमेरिका और इजराइल इस पर नज़र रखे हुए है। इसी के तहत जो है इजराइल ने ये जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया? ये देश है भारत। ये सोलर ट्री आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड, ये सोलर ट्री, ये मतलब पेड़ के आकार का, इसीलिए इसका नाम सोलर ट्री रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए किसकी सहायता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये कौन है? तो ये है केवी कामत। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील अभियान की शुरुआत भारत ने किस लिए किया है? तो ये किया है UNSC में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने हेतु। तो इसके UNSC के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड, जिसे एक जो है पंचशील सिद्धांत पहले देख लेते हैं। जिसे पंचशील का क्या मतलब, जैसे सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि, ये पंचशील के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद भारत जो है एक एशिया प्रशांत समूह में एकमात्र उम्मीदवार है, यानी UNSC में जो है 15 सदस्य होते हैं। ठीक, उसमें 10 सदस्य अस्थाई होते हैं और 5 सदस्य अस्थाई होते हैं। 5 सदस्य यहाँ पे 5 सदस्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। भारत जो है इस 15 में से 10 में आता है, यानी अस्थाई में तो ये सभी कंट्री आ गए और अस्थाई में 10 देश आता है, जिसका जो है हर एक 2 साल पे इसका चुनाव होता है। ठीक, तो भारत भी इसको परमानेंट करने के लिए, यानी 10 में से 1 सीट को वहाँ पे सुरक्षित करने के लिए जो है इस अभियान की शुरुआत किया है, यानी पंचशील अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, ये सभी देख लीजिएगा फ्रेंड, जैसे कि सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे पहले, उसके बाद 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, ये सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की है? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है फ्रेंड? तो यह है जातीय संसद। कौन सा? जातीय संसद।
जातीय संसद, वहाँ के संसद का नाम है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया है। तो ये है कौन सा शब्द, क्वारंटाइन, ये क्वारंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश, किस व्यक्ति के नाम पर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम रखा है। तो ये है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जो थे गोवा के CM भी रह चुके थे और हमारे कैबिनेट मंत्री भी में जो है ये रक्षा मंत्रालय, यानी रक्षा मंत्री भी ये रह चुके थे। ठीक है, किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया है, कौन सा संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया है। तो यह है मध्य प्रदेश। इसमें जो है, इस वाहन में जो है स्वास्थ्य कर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की, यानी COVID-19 जो संदिग्ध मरीज है उसे बिना संपर्क में आए जांच इसके थ्रू कर सकते हैं, यानी इस वाहन के थ्रू, यानी बिना टच किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ई चार्जिंग प्लाज्मा पहल की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दिल्ली में। इसमें जो है 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, ई प्लाज्मा कहाँ पे है, तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की 100% सीट को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना। तो यह है MP, यानी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में जो है सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ मध्य प्रदेश के वासियों को ही सिर्फ यहाँ पे नौकरी मिलेगी, किसी दूसरे स्टेट वालों को नहीं। नेक्स्ट है, 2020 में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत जो है स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमला करेगा तो उसे 7 साल की सजा तथा 5,00,000 रुपये की जुर्माना देनी होगी। अगला है, दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है कोलकाता में। इसमें जो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे निःशुल्क इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। यानी एक कह सकते हैं जैसे कि एक वाहन है उसी के अंदर में लाइब्रेरी बना हुआ है, तो वहीं पे 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे जो है वहाँ पे निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और इसके तहत जो है पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने APJ आनंद बाल पुस्तकालय के साथ साझेदारी भी किया है और इसका नाम है, और इस ट्राम कार लाइब्रेरी का जो नाम दिया गया है यह कोलकाता यंग रीडर्स ट्राम कार, ये नाम दिया है। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राज्य जिसने कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाया, ये कौन सा है, राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट है, वर्चुअल कोर्ट इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना, तो यह है उत्तर प्रदेश। यानी ऑनलाइन माध्यम से जो है अब अदालतों की कार्रवाई वहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये राज्य है UP। ये आंसर यहाँ पे मिट गया फ्रेंड, तो ये UP हो जाएगा। इसके तहत जो है जितने भी जिले हैं, यानी 75 जिले हैं यूपी में, उसमें जो है 7,000 से अधिक सामुदायिक रसोई की स्थापना इसमें किया गया है, जिसके तहत जो है COVID-19 से जो भी ग्रसित लोग हैं उसे मुफ्त में भोजन कराया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया है, यानी कौन चुनी गई है? तो यह है दीपा मलिक। दीपा मलिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे दीपा मलिक शॉर्ट पुट जो है जेवलिन थ्रो, यानी शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी और मोटर रेसिंग से जुड़ी ये एथलीट हैं और एक विकलांग खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 2016 पैरालंपिक शॉर्ट पुट में एक रजत पदक जीता था। ठीक, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो ये कौन सा स्टेट है? यह है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत जो है सरकार नागरिकों को मुफ्त में एक आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए एक त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी। एक चूर्ण पैकेट है ये, यानी औषधि का है ये। उसमें जो है जैसे कि पीपल, अदरक, काले मिर्च से ये बनाया गया है। ये त्रिकुट चूर्ण जो है ये पीपल, अदरक और काली मिर्च से बनाया गया है ये, और ये काढ़ा है जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये है नरेंद्र बात्रा को जो है ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और ये साथ में जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पहले अध्यक्ष भी हैं। थोड़ा IOC के बारे में फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है कैचअप। कैचअप है एक कॉलिंग ऐप है जो कि फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। किस राज्य सरकार ने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ये आदर्श अटल विद्यालय जो है एक CBSE विद्यालय जो कि इंग्लिश मीडियम का इसमें पढ़ाई होगा। PM नरेंद्र मोदी ने देह बेचावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया है, किसकी आत्मकथा है? यह है बाला साहब विखे पाटिल। ये महाराष्ट्र के एक राजनीतिज्ञ थे और इसकी पुस्तक देह बेचावा कारणी जो है मराठी भाषा में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2020 में भारत के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो यह है 2020 में 18 तटीय को। इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि समुद्री तटों और मरीन्स के लिए जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है FEE। इसी के द्वारा जो है ब्लू फ्लैग जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना जो है FEE का स्थापना 1985 में फ्रांस में की गई थी। कब? फ्रांस में 1985 में। ये ब्लू फ्लैग जो है प्रमाण पत्र जो है समुद्री तटों को विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्री तट में शामिल करने वाले को इसमें दिया जाता है। और ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ये सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टाबो शुरू किया है? ये एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है फ्रेंड जो कि गोवा के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने जागरूकता अभियान के लिए किस सेलिब्रिटी को चुना है? तो ये चुना है अमिताभ बच्चन को। किस लिए चुना है? तो ग्राहकों को जो है सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है।